तो दोस्तों देखिए, अभी हम थोड़ा सा मार्केट को समझ लेते हैं। देखिए ये 1 आवर का कैंडल है और इसमें आप देखेंगे तो देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, लेकिन दोस्तों कैसे गया, ऐसे करके ऐसे गया, फिर यहाँ पर एक ठो बनाया, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ये ऊपर में एक ठो टॉप का लेवल, एक ठो बेस बनाया। यहाँ से लग रहा था ऊपर जाएगा लेकिन ये नीचे आ गया। तो ऐसे दोस्तों यहाँ से जितना यहाँ तक गया है उसका पूरा करेक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ तक ये पूरा हो चुका है। तो अब यहाँ पर कैसा प्रोजेक्शन बन सकता है, देखिए जैसे यहाँ से ऐसे करके ऐसे गया है ना, तो ये वाला एक ठो बेस बना इसका टॉप में, वैसे ही दोस्तों देखिए ऐसे यहाँ पर आया है तो ऐसे करके यहाँ पर भी एक ठो बेस बनेगा, उसके बाद ये ऊपर ऐसे जा सकता है। तो देखते हैं कैसा होता है, इसको मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर भी अगर कैसा हो सकता है प्रोजेक्शन, ऐसे करके फिर ऐसे करेगा, एक बेस बनाएगा, उसके बाद ही ऊपर यहाँ पर से निकल सकता है। तो देखते हैं कैसा होता है। देखिए 9:14 हो रहे हैं और मार्केट जो है वो 41 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है। ये देखिए मार्केट खुल रहा है 42,650 पे। देखते हैं, ये देखिए 9:14 हो गए हैं और ये 5 मिनट कैंडल लगा हुआ है, बस कुछ सेकेंड में मार्केट जो है वो खुलने वाला है। देख सकते हैं आप, अभी हम थोड़ा सा अगर ऊपर प्राइस जाता है ना तो हम अपना सेलिंग का एक ठो ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों जहाँ से अगर है वहाँ से यहाँ फिर से नीचे आ सकता है। ये देखिए मार्केट खुल चुका है और यहाँ से नीचे डायरेक्ट आ रहा है, तो थोड़ा सा हम वो करते हैं, वेट करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ से फिबोनाची लेते हैं ना, ये देखिए यहाँ से अगर फिबोनाची लेते हैं, यहाँ से हाई टू लो लेंगे अगर, तो ये है अपना 0.5 का लेवल, ये 0.6 का लेवल, तो हम इस दोनों को मार्क कर लेते हैं। ये देखिए 0.5 का लेवल है और ये थोड़ा सा हम एक ठो मार्क कर लेते हैं 0.6 का लेवल। इसी दो जगह पर अगर हमको सेलिंग करने को अवसर मिला तो हम सेलिंग करेंगे, इसको हटा देते हैं। ये देखिए अगर इन लेवल्स को दोस्तों ऊपर साइड ब्रेक कर रहे हैं ना तो हम फिर बाइंग में चले जाएंगे। अब देखते हैं कैसा होता है। चलिए ये देखिए ये ऊपर तो जा रहा है जाने के लिए, वेट करते हैं। तो दोस्तों देखिए ऐसा मार्केट चल रहा है, अभी 9:40 हो रहे हैं और मार्केट देखिए यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना है, अब हम यहाँ पर अपना पोजीशन जो है वो बना रहे हैं। दोस्तों देखते हैं, चलिए हम अपना पोजीशन एक ठो बना रहे हैं। मार्केट चल रहा है अभी 42,500 पर और हम क्या है 42,500 का कॉल और पुट को ऐड कर रहे हैं, हम पुट साइड में अपना ट्रेड जो है वो बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या भाव चल रहा है। ये देखिए इसको मैं 5 मिनट कर लेता हूँ और ये देखिए अभी ऐसा चल रहा है और थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से भी है मार्केट, थोड़ा सा 1 मिनट देख लेते हैं इसका। वन मिनट, इस तरह से 1 मिनट में ये चल रहा है और यहाँ पर ये 5 मिनट को देखेंगे तो चलिए हम इसका ऑर्डर लगाते हैं इसके लो पर, जहाँ तक का ये हाई लगाया है अभी ये 330 में हम इसको बाय कर रहे हैं, एसएल ऑर्डर 330 में। ये देखिए 331 कितना लग रहा है हमारा, चलिए हमने ऑर्डर लगाया है 330 पे। दोस्तों अगर ऊपर जाता है 330 से पार करके तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी 300 क्या चल रहा है 12। अब देखते हैं, ये देखिए हमारा ओपन ऑर्डर पे देखेंगे, ये देखिए हमने 330 पे अपना ऑर्डर लगा दिया, अभी भाव चल रहा है 305 रुपये का। देखिए अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अगर ये मार्केट जो है ना यहाँ से अगर नीचे आता है तो हमारा बाय ऑर्डर हो जाएगा, अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों ऐसे ही हमने ऑर्डर लगाया हुआ है, अगर यहाँ से ये नीचे आता है ना इधर,
तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखते हैं, चलिए क्या होता है। लग तो नहीं रहा ऊपर जाएगा ये, फिर भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मार्केट जो है ऊपर जा रहा है। अगर इस लेवल से नीचे आता है ना, जहाँ कभी लो बनाया है, अगर यहाँ से नीचे आता है तो ही हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, बाकी तो अभी नहीं हो सकता है। देखते हैं, चलिए ये देखिए ऐसे में मार्केट चल रहा है। इसमें टारगेट लेंगे कहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक अपना टारगेट हम लेंगे। देखते हैं चलिए क्या होता है। देखिए नीचे तो आ रहा है, भाव चल रहा है कितना, 312 रुपये का भाव चल रहा है। देखिए इसका हाई अगर देखेंगे आप, तो हाई जो है वो 330 का है, तो 330 पर ही हमने अपना ऑर्डर जो है वो लगाया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फिर से रेड बना रहा है ना, अगर ये रेड बनता है तो हम यहाँ पर अपना जो ट्रेड को वहीं पर एग्जीक्यूट कर देंगे। देखिए भाव चल रहा है कितना, 313। टाइम का जो डीके है बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर भी देखते हैं। अगर यहाँ से लग तो नहीं रहा ये ऊपर जाएगा, ये देखिए ऐसे कैंडल चल रहा है। ये देखिए हमारा टारगेट यहाँ से बस यहाँ तक का होगा, जो भी है 200 पॉइंट इंडेक्स का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस हमेशा 10% का रहेगा या उससे भी कम। देखिए मार्केट वहाँ तक पहुँच गया, लेकिन फिर भी दोस्तों इसका भाव देखिए आप कि अभी तक मतलब वो नहीं हुआ है। वहाँ से 230 का हाई लगाया था, लेकिन 230 भाव भी उस 500 के पुट का नहीं पहुँचा है, बाकी मार्केट वहीं पर है। देख लीजिए ये देखिए यहीं पर मार्केट हाई मतलब लो लगा के गया है। ये देखिए दोस्तों लो लगा दिया है, ये हमारा जो ऑर्डर है वो देखिए 326 पहुंच गया तुरंत, 326.25 है, और हमारा ऑर्डर शायद बाय हो ही जाएगा धीरे से। हो गया बाय, देख लीजिए जीरोधा भेज दिया है, बाय हमारा ऑर्डर हो चुका है एक लोट। ये देखिए हमारा 330 पर बाय हुआ है, और पोर्टफोलियो पर भी देखेंगे तो ये देखिए कुछ ऐसा ये 329.30-31 चल रहा है। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है ये अपना। इसमें स्टॉप लॉस देखिए हमने जो लिया है 330 का, तो हमारा स्टॉप लॉस अगर 10% देखेंगे तो 33 पॉइंट होता है, लेकिन हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो 30 पॉइंट ही रखेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अभी मार्केट नीचे जा रहा है हमारे लेने के बाद से, तो हम अपना प्रॉफिट जो है बुक करेंगे धीरे से। ये देखिए अभी कितने का प्रॉफिट हमारा चल रहा है। अब देखते हैं थोड़ा सा और नीचे आ जाए कम से कम, नहीं तो इस लेवल के नीचे यहाँ तक आ जाए तो हम अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेंगे। देखिए ऐसे मार्केट जो है वो चल रहा है, अभी नीचे आ रहा है, तो कहाँ तक नीचे आएगा इसका थोड़ा सा हम चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, अरे बाबा ये तो बहुत कम हो गया, तुरंत ऊपर खींच रहा है मार्केट ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अपना थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। देखिए यहाँ पर भी कैंडल जो है वो ग्रीन बना रहा है, फिर भी हम वेट कर रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे और कम से कम नहीं तो इस लेवल तक का वेट करेंगे दोस्तों। 42,000 कितने का, 42,370 में अपना प्रॉफिट हम वो बुक करेंगे। देखिए इस तरह से कैंडल बन रहा है, देखिए ये देखिए दोस्तों ऐसे कैंडल बन रहा है। चलिए जो है हम अपना प्रॉफिट अपना बुक कर रहे हैं। देखिए ये देखिए 1,000 का प्रॉफिट चला गया है, हम इसको बुक कर दे दोस्तों। देखिए 1,100 का प्रॉफिट हमने एक लॉट में अभी बुक कर लिया। ये देखिए दोस्तों हमने खरीदा कितने पे, 330 पे, उसको बेचा हमने 375 पे। देखिए टाइमिंग आप देख लीजिए, 9:47 में हमने अपना खरीदा और उसको दोस्तों 9:58 में हमने बेच दिया। तो दोस्तों ऐसे हुआ है ट्रेड। अब ट्रेड का अपने मैंने लॉजिक आपको बता दिया कि कैसे मार्केट चल रहा था और कैसे हमने पोजीशन बनाया। देखिए दोस्तों इसको मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ,
ये देखिए मार्केट अभी नीचे ही आ रहा है। तो देखिए मतलब ऐसे ही ट्रेंड लाइन बनाया था। ट्रेंड लाइन के बाद देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि कैसे मार्केट यहाँ तक अपना, अगर मार्केट को इस लेवल से ऊपर जाना होगा तो ऐसे करके ऐसे प्रोजेक्शन बनाएगा, फिर ऐसे तो एक ठो ये नीचे में क्या बनेगा, एक ठो बेस बनेगा, उसके बाद फिर ये ऊपर जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों अभी मैंने सेलिंग साइड का ही वो अपना देखिए पोजीशन बनाया और ये देखिए मार्केट और नीचे इस लेवल तक भी हमारा आ चुका है। तो दोस्तों देखिए मैंने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आज शुक्रवार है इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया। देखिए अभी 380 चल रहा है और हमने प्रॉफिट बुक किया है 375 पे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए।